अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जितने हजरात भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आजीजाना गुजारिश है कि आप हजरात महाराष्ट्र और कोकण में जो बुरी हालत हुई है सैलाब की वजह से और कई लोग उसमें डूब चुके हैं और मर चुके हैं, हालात इतने नाजुक हैं, लोगों के चीखें पुकारें हो रही हैं, दुआओं के इल्तिजाएं की जा रही हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग ने वॉइस मैसेज के जरिए दुआ की, रोते हुए दरख्वास्त की है कि आप हजरात उन बुजुर्गों के लिए उनके हालात रहम खाकर अल्लाह की दरबार में दुआ करें तो क्या है और सैलाब जैसे मुसीबत से अल्लाह तआला उनकी हिफाजत फरमाए। लीजिए पेश करता हूँ उन हजरात की इल्तिजाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन अहबाब तक हमारी आवाज़ पहुँचती होगी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उम्मत के लिए और कोकण के इलाके के लिए ख़ास दुआओं का अहतमाम करें, ख़ास दुआओं का अहतमाम करें। मौत के मुंह में पूरा इलाका ख़त्म हो चुका है, अल्लाह को मंजूर है किसको बचाना किसको ख़त्म करना हमें नहीं मालूम है। बस हम आपसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, आप में से किसी की दुआ हमारे काम लग जाएगी, आप हमारे लिए दुआ कीजिए, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। मदरसे में हमारी फैमिली है, राजेवाड़ी के अंदर पूरा गांव है, महारपुरी बस्ती है, केमुरली पूरा गांव है, उधर वहां से लेकर यहां तक पानी ही पानी है। कामला के अंदर भी पानी आ चुका है, अब पानी ऊपर से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता है। आप लोगों में से किसी की दुआएं हमारे अपने इलाके के काम आ सकती हैं। अरे अल्लाह के बंदो, कोई तो हमारे लिए दुआ करो और किसी न किसी की दुआ ज़रूर काम आएगी, ऐसे अल्लाह की दास से उम्मीद है। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बढ़ गया है, बल्कि मदरसे के पहले फ्लोर तक पानी आ चुका है। जी जी 9-10 फीट तक पानी है। अल्लाह हिफाजत करें, अल्लाह हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप हजरात इन सैलाब तासीर लोगों के लिए दुआ फरमाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो की वजह से उनके हक़ में दुआ कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।